सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम का समय बचा है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने जहां अब तक 67 उम्मीदवारों की घोषणा की तो वहीं कांग्रेस ने अभी सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आरएलडी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में उसने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बात अगर जेजेपी की जाए तो जेजेपी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी और इनमें से एक नाम है सुशील कर, जिनको पंचकुला सीट से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि गर्ग 2019 में निकाय प्रकोष्ठ जिला संयोजक रह चुके हैं, वहीं 2023 में हल्का अध्यक्ष रह चुके हैं पंचकुला से, और दिसंबर 2020 से अब तक वार्ड नंबर 14 के पार्षद भी हैं। तो आज की चर्चा इसी पर, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला सीट से उम्मीदवार सुशील गर्ग जी और जेजेपी के प्रवक्ता केसी भारद्वाज जी, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसपीर जस्सी जिला अध्यक्ष एससी सेल के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का सर न्यूज 21 पे। सुशील गर्ग जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पंचकुला सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। जी सुशील जी, सबसे बिल्कुल जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज 21 की तौर से कि आपको उम्मीदवार बनाया गया पंचकुला सीट से। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, चैनल का भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मेरे से बात करने का समय दिया। सुशील जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि देखिए उम्मीदवार आपको बना दिया गया है, टिकट आपको मिला है, क्या कुछ विजन रहने वाला है पंचकुला सीट को लेकर? हमारा पिछले 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस की सीट होती थी और 10 साल से बीजेपी का यहाँ, हमारे यहाँ उम्मीदवार रहे हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं माननीय श्री ज्ञान चंद जी गुप्ता। 10 साल में हमारे पंचकुला का जो विकास, उन्होंने ये कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपया मैंने पंचकुला के विकास पे खर्च किया है जी। हमारी समझ नहीं आती कि कहां खर्च हुआ है। आज तक भी वही सड़कें टूटी फूटी हैं, वही पंचकुला का सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा है, सफाई नाम की चीज नहीं है। पंचकुला जितना पहले सुंदर था उससे भी आज और ज्यादा खराब हो चुका है। पंचकुला मोहाली से बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज मोहाली के बहुत पीछे चला गया है। पंचकुला में विकास नाम पे कोई भी कार्य हमारी पिछली सरकार में नहीं हुआ। वो 5,000 करोड़ रुपए की बात तो करते हैं कि 5,000 करोड़ का विकास किया, अभी एक दिन पहले, यहाँ 2-3 दिन पहले बारिश पड़ी, आधा घंटा बारिश पड़ी थी कि उसमें इतना जाम लग गया, इतनी बाढ़ की तरह से मतलब लोगों के घरों में पानी घुस गया, कोई पानी के निकास का वो। सुशील जी, आपने ये चीज बता दी कि 10 साल के अंदर जो बीजेपी के विधायक रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने कोई विकास काम में काम नहीं किया, आपका क्या कुछ? क्योंकि अब देखिए, आप पे भरोसा जताया है पार्टी ने, जेजेपी ने, आपको टिकट दिया गया है, अगर आप जीतते हैं तो आपका क्या कुछ विजन रहेगा? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो पंचकुला सीट पे जो कोर मुद्दे हैं जनता के बीच जाने का? देखिए, मेरे पंचकुला के वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं और पंचकुला बहुत पिछड़ गया है। मेरे मेन यही है कि पंचकुला का जो विकास पिछले 10 साल में नहीं हुआ, मैं उस विकास को करवाने की कोशिश करूंगा। पंचकुला को आज जो तरक्की चाहिए थी, क्योंकि चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक है, चंडीगढ़ इतना एडवांस हो चुका है, पंचकुला उससे बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। मैं चंडीगढ़ की तर्ज पे पंचकुला की तैयारी कराऊंगा, पंचकुला का विकास कराऊंगा। मेरा मेन मुद्दा यही है कि पंचकुला चंडीगढ़ से भी अच्छा शहर बने, मेरा ये मेन मुद्दा रहेगा। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी सुशील जी। केसी भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं। सर, इस बार क्या कुछ पार्टी का विजन, क्या कुछ मुद्दे लेके पार्टी जनता के बीच में उतरी है? देखिए, हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट विजन है। हमारे युवा नेता जी दुष्यंत चौटाला जी, अमित शाह युवाओं के सरगना रहे हैं, उनके सरताज हैं, उनके दिलों की धड़कन है। और सबसे पहला मुद्दा हमारी पार्टी का है कि रोजगार देना युवाओं को, और इसके लिए महिला सशक्तिकरण के बारे में,
वो बहुत इस बारे में चिंतित रहते हैं कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सरकार में रहते हुए आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं के लिए प्राइवेट इदारों में 75% आरक्षण का उन्होंने बिल पास करवाया, महिलाओं के लिए राशन डिपो के अंदर 33% की भागीदारी सुनिश्चित करवाई। इतना ही नहीं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके अंदर 50% महिलाओं के लिए आरक्षण करवाया। इसके अलावा और जो जनता से जुड़े बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं थी जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री होते उनका निदान करवाया। अब आने वाले क्योंकि चुनाव 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में होने जा रहे हैं और हमारी पार्टी ने पंचकुला शहर से हमारे बहुत ही पॉपुलर सुशील गर्ग जी को यहाँ से उम्मीदवार बना करके पंचकुला के अंदर हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित करती है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अब आज दिल जान से क्या है। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जननायक जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। अब केसी भारद्वाज जी, जनता से किस तरह का संवाद रहने वाला है अगर आपकी सरकार बनती है? देखिए, एक महीने से भी कम वक्त बचा है चुनाव होने में। देखिए, हमारे तमाम नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हो, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीरेन्द्र शर्मा जी हो, हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी और राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी हर हल्के के अंदर लगे हुए हैं और टिकटों का वितरण जो ना किया जा रहा है और तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। और जनता के लिए हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे पहले हमारी पार्टी के जननायक चौधरी देवीलाल जी थे जो जनता के ही नुमाइंदे थे और जनता के बीच में ही रहते थे, पूरा जनता के लिए संघर्ष करते थे। हमारी पार्टी का एक ही ध्येय है कि आम गरीब आदमी की, किसानों की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की और तरह तरह के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना ही हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है सुशील जी, वापस आपके पास लौटते हुए, क्योंकि देखिए पंचकुला सीट से आपको टिकट दिया गया है, आप मौजूदा में पार्षद भी हैं, जिस तरह से आपने क्षेत्र में काम किया है उसकी भी सराहनीय जनता करती है। अगर आपका राजनीतिक सफर के बारे में अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार वो रहा और आपने जेजेपी में शामिल होने का निर्णय कैसे लिया? राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। 2008 में पंचकुला का ही मैं बताना चाहता हूं आपको, जब से मैं पंचकुला में आया हूं 2008 में सर्वप्रथम यहां मैंने इसी सेक्टर और वार्ड नंबर 14 जो है जी। तो मेरा बेटा यहां से पार्षद रहा 2008 में भी हमने लड़ाई लड़ी और 2020 में फिर मैं आज यहां से पार्षद हूं। इस पिछली बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो जननायक जनता पार्टी ने मुझे इस वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया और मैं उस समय जननायक जनता पार्टी में शामिल हुआ। उसके बाद जननायक जनता पार्टी ने बहुत सी जिम्मेवारियां दी, मैं यहाँ का हल्का अध्यक्ष भी रहा, मैं यूएलपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, तो इस प्रकार मुझे सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए आज मेरे ऊपर जननायक जनता पार्टी ने भरोसा जताया और मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी कि आप ये इलेक्शन लड़े विधायक का और यहां से जीत प्राप्त। सर, एक बार फिर से अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वापस से ज्ञानचंद गुप्ता को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है, टिकट दिया है, वापस भरोसा जताते हुए वो जीते हुए विधायक हैं, जिताऊ विधायक हैं, उनको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं अपने सामने? देखिए, उनका एक तो बड़ा जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का बहुत जबरदस्त रहेगा क्योंकि पिछले 10 साल में जो उन्होंने काम करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए और हमारा समाज, मैं एक अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूं, मेरे समाज के लोगों ने ही पैसा खर्च करके उनको जिताया हमेशा और लगे रहे। आज मेरा अग्रवाल समाज ही, आज मेरा बनिया समाज ही उनके बिल्कुल विपरीत है क्योंकि वो भी बनिया समाज से हैं और मैं भी बनिया समाज से हूं, लेकिन बनिया समाज आज बिल्कुल विपरीत चल रहा है उनके। वो जहां भी बात करते हैं लोग कहते हैं इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, तो ये शब्दों के साथ लोग हमें बताते हैं। तो क्योंकि उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किए, ना पब्लिक के किए, ना सरकार में रहते हुए कोई आम विकास का कार्य किया, जिस कारण
लोग उनको चाहें, लोग उनको वोट दें। मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई फाइट रहेगी। मैं बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतूंगा और बहुत अच्छे मत मैं यहाँ से प्राप्त करके जाऊंगा। सुशील जी, जातिगत संभावनाओं की अगर बात की जाए, आपने बढ़िया समाज का भी यहाँ पर जिक्र किया, तो ये सवाल रहेगा कितना बेनिफिट इससे मिल सकता है? बहुत ज्यादा। हमारा ये सीट कहलाती ही बनिया ब्राह्मण की सीट है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के भी बहुत वोट है और बनियों के भी। बनिया समाज यहाँ हमेशा लड़ता आया है और पिछले 10 साल ये बनिया समाज से ही है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, इन्होंने 10 साल जीत बनियों के सिर पे ही हासिल की है और बनियों के सिर पे ही हासिल करते हुए इन्होंने ये यहाँ आज तक पहुंचे हैं। और मैं समझता हूँ आज मेरा बनिया समाज उनसे बहुत ज्यादा नाराज है और बनिया समाज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। बड़ा मतलब के लोग मुझे ना टेलीफोन पे मैसेज आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब की बार बनिया समाज मुझे खूब आशीर्वाद देगा और साथ साथ ब्राह्मण समाज ने भी ये बीड़ा उठाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है, उन्होंने भी ये कहा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो भी हमारी जनता पार्टी को पूरा समर्थन दे। ठीक है सुशील जी, वापस लौटूंगी। हमारे साथ जिला अध्यक्ष एससी सेल के जसप्रीत जस्सी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 21 पे। जसप्रीत जी, किस तरह से हरियाणा चुनावों को देखते हैं और एससी सेल के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कुछ रोल होता है जरा समझाएंगे? देखिए मैम, हम बात करेंगे पंचकुला विधानसभा की, तो जननायक जनता पार्टी ने हमारे मौजूदा पार्षद और हल्का अध्यक्ष हमारे सुशील गर्ग जी को मैदान में उतारा है और पूरा पंचकुला से एक ही आवाज आ रही है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को कोई लाइक नहीं कर, क्योंकि 10 साल कांग्रेस रैली, उसके बाद 10 साल बीजेपी रैली, इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। और बात करूं अगर मैं गांव और कॉलोनियों की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, यहां पंचकुला में सभा बस्तियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़ग मंगोली, जहां पर तकरीबन मजदूर गरीब तबके का व्यक्ति रहता है, वहां पर 10 साल के अंदर कोई सुविधा ही नहीं दी। वहां पर बिजली पानी लाइट सुविधा कुछ नहीं है। उसके अलावा वहां पर हमारे जो प्रेजेंट यहाँ पर विधायक है, उन्होंने एक थप्पा लगा दिया, ये कॉलोनिया अनऑथराइज है, अवैध कॉलोनिया है। अगर वो अवैध कॉलोनिया है तो वहां पर वोट किस लिए मांगने जाते हैं बीजेपी वाले? अभी दिन पहले यहाँ पर एक बरसात इतनी तेज आई, बाढ़ आई, बाढ़ के जो नाला है यहाँ पर, जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी, उस नाले के किनारे राजीव कॉलोनी बसी हुई है, इंदिरा कॉलोनी बसी हुई है, जहाँ पर सेक्टर की तरफ 12 दीवार और कॉलोनी की तरफ दीवार ही नहीं, तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। अभी 2 बच्चे पिछले महीने बह गए थे और हर बार चुनाव में एक पत्ता लेकर आती है बीजेपी और कांग्रेस सरकार, भाई इस बार हमें जिताओ और कॉलोनियों को स्लम फ्री बना देंगे, इनको प्लाट या फ्लैट दे देंगे। सर, लेकिन एक सवाल मेरा आप तीनों से कॉलोनी वालों के बारे में, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे सुशील गर्ग जी यहाँ से विधायक बने और हमारी जेजेपी पार्टी हरियाणा सरकार में आती है, तो सबसे पहली कलम से दुष्यंत चौटाला जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे और विधायक सुशील गर्ग जी, पहली कलम से कॉलोनी को स्लम फ्री बनाने का काम करेंगे। 2-2 मरले के फ्लैटें कॉलोनी वालों को दिए जाएंगे ताकि ये नर्क की जिंदगी से बाहर निकल सके। ठीक है जसबीर जी, सुशील जी, केसी जी, आप तीनों से एक सवाल मेरा रहेगा कि बीजेपी सरकार का कहना है कि तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले जसबीर जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। मैम देखिए, अपने मुंह से जो मर्जी बोले जाएंगे, इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी की जो टिकटें बटी है उसमें बड़ा जोर मोर हुआ है। जो इनका खुद का जो एजेंडा था, भाई परिवारवाद को नहीं हम आगे बढ़ाएंगे, हम एक सक्षम और ईमानदार पार्टी कार्यकर्ता को वोट देंगे, पर टिकट देंगे, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी जननायक जनता पार्टी से कुछ जो हमारे बागी विधायक थे, उन्होंने वहां जाकर टिकटें ले ली, उनको टिकटें दे दी, और भी काफी हैं जो खुद बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं। और पूरे पंचकुला लगा लो पूरा रहने चाहिए की आवाज जारी है इस बारी बीजेपी का सफाया, और युवा नेता को चाहता है पूरा हरियाणा, और युवा नेता एक ही है, भाई दुष्यंत चौटाला। ठीक है सुशील जी, आप क्या कहेंगे इस पे एक कमेंट? बीजेपी का कहना है तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अच्छी बात है, ख्वाब तो देखने चाहिए। पीछे भी इन्होंने कहा था कि 75 बार 75 बार 40 पे टक्के खड़े हो गए थे। आपको मालूम है, आपके तो मोदी जी भी जो 400 बार 400 बार करते रहे और 240 पे टक्के खड़े हो गए सरकार के लिए, उनको सहयोग देना पड़ा दूसरी पार्टी का। आज सरकार है, सिर्फ दूसरे दलों के सिर पे सरकार वो चला रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट सरकार भी नहीं बना सके। हालात तो ये है, क्योंकि
इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो कैडर बेस था, वो सारा कैडर बेस इन्होंने अपना खत्म कर लिया। जो जहां से आया, चाहे वो जननायक जनता पार्टी से आया, चाहे वो कांग्रेस से आया, ठाई उनको टिकट पकड़ा दी। और जो उनका बेस, कैडर बेस था, जो उनके, मैं कहूंगा आरएसएस का जो बेस था, जहां से इनका कार्यकर्ता निकलता था, जहां से इनके लीडर निकलते थे, उनको इन्होंने अवॉइड कर दिया। और वो अवॉइड होने की वजह से उन आज ये स्थिति है कि सारा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो बीजेपी का था, वो सारे का सारा जमीनी कार्यकर्ता इतना नाराज और असंतुष्ट है, जिस कारण अब की बार बीजेपी जमना पार। सुशील जी, क्योंकि आपको देखिए टिकट मिला है, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, युवाओं की अगर बात करूं, अगर आप जीतते हैं तो महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या कुछ रुख रहने वाला है और किस तरह के अवसर बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष योजना? हमारी जो हमारे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अजय चौटाला जी जी, और हमारे युवा नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी जी, जितने साल सरकार में रहे, इन्होंने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में आरक्षण किया। 33% महिलाओं को इन्होंने राशन डिपो दिलाने के लिए आरक्षित किया। पंचायतों में इन्होंने आरक्षण किया महिलाओं को। युवाओं को रोजगार के लिए इन्होंने 75% प्राइवेट आधारों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% युवा हमारे हरियाणा की भर्ती हो, ये बिल पास करवाया। इस प्रकार हमारा विजन तो साफ है कि हम युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, केसी भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा माना जाता है, किसान देखिए हरियाणा से आते हैं, खेती होती है, किसानों को लेकर, कृषि जो विभाग है उसको लेकर, उसको लेकर क्या कुछ पार्टी का रुख रहने वाला है? देखिए, हमारे युवा नेता ने अपने विजन में रखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों के, उन्होंने विशेष योजना बनाई है किसानों के लिए जी। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है आंधी आने से, ओले आने से, तूफान आने से, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो किसान को बड़ी भारी मार झेलनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी जेजेपी की सरकार बनेगी तो 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। साथ साथ किसानों की भलाई के लिए और जितने भी कार्य होंगे, भाई किसानों को सस्ते दामों पर टूल देना, सस्ते दामों पर जो खाद देना, या इस तरह की और भी किसानों के समझ में और भी जो उनको चाहिए, तो किसानों की हर तरह से हमारी पार्टी जो है ना सहायता करेगी। और विशेष तौर पर हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है। हमारे जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा किसानों के लिए संघ, और उन्होंने किसानों के गांव के प्रति, गरीब आदमियों के प्रति अपना पूरा अपना जीवन ही लगा दिया। तो उनकी सोच पर ही हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं। ठीक है भारद्वाज जी, एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा आपसे, किस अगर पार्टी जीतती है तो जो कोर मुद्दे होते हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं स्पेशली विकास को लेकर? क्योंकि जैसा कि देखिए सुशील गर्ग जी ने भी खुद की सीट का अगर यहाँ पर जिक्र किया, पंचकुला सीट का, कि भाई 10 साल से बीजेपी के विधायक रहे हैं और कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल पिछड़ गया है पंचकुला, और भी तमाम यहाँ पर सीटें हैं, 90 सीटें हैं और इस पर चुनाव होना है, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? पार्टी जीतती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी पार्टी की? देखो, पार्टी ने अपना संकल्प तैयार कर दिया है और वो कुछ दिनों के अंदर अंदर पार्टी जारी कर देगी। मैंने मैनिफेस्टो का एक मुद्दा आपको अहम मुद्दा बता दिया है, वो है किसानों को राहत 1,000 रुपए प्रति एकड़ देना। इसके अलावा जहां तक पंचकुला की बात है, अगर हमारी पार्टी के लिए, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी इसी वजह से कोई भी कारण हो सकते हैं कि पार्टी भाई कहीं बार मिली जुली भी सरकार बन जाती है, तो हमारे पार्षद जो इस टाइम पार्षद है सुशील गर्ग जी, अगर ये विधायक बनते हैं और भगवान की कृपा रही उसकी, तो पंचकुला का विकास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो पिछले 10 साल से पंचकुला पिछड़ गया है, बहुत सी बातें मेरे साथी बताई, जसवीर जसी ने भी बताई और गर्ग साहब जी ने भी बताई, उन कमियों को, उन लोगों को, गरीब आदमी को, झुग्गी झोपड़ी वालों को,
बिल्कुल उनको दशा सुधारने का हमारे विधायक बनने के बाद सुशील गर्ग जी पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। जसप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए न्यूज 21 के साथ, और अपनी जो विचार हैं और हरियाणा चुनावों को लेकर स्पेशली सुशील जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने पंचकुला सीट को बताया कि पिछड़ गई है और किस तरह से वो काम करेंगे ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, 5 अक्टूबर को मतदान होना है और जनता उस दिन बता देगी कि आखिरकार वो किसे चाहती है, किस उम्मीदवार को चाहती है जिसको टिकट मिला है या फिर किसी और पार्टी के उम्मीदवार को चाहती है। लेकिन आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।